बारे में आपको याद करवाने वाली हूँ, क्लास 10 के फर्स्ट 3 चैप्टर के राइटर्स के जन्म और मृत्यु। सो लेट्स स्टार्ट। सूरदास का जन्म, सबसे पहले आप वन लगाइए, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर टाइप, राइट? तो आप यहाँ पे कर लीजिए फोर, देन आपको यहाँ से सेवन लेना है, यहाँ पे आप सेवन लिख दीजिए, फिर इसके बाद सेवन के बाद क्या आता है एट, सो दैट्स एट, तो आप लिख दीजिए 1, 4, 7 एंड 8। नाउ सूरदास की मृत्यु, सूरदास की मृत्यु, देखिए 14 में अगर पैदा हुआ तो 15 में ही मरेगा, ठीक है? 30-35 साल नहीं, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा एज में मरे थे, तो वो 15 आप लिख दीजिए, देन उसके बाद उसकी मृत्यु आप 8 लगा लीजिए, 7 के बाद यहाँ पे 8, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे याद कर लीजिए, इसको 8 बना लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए और यहाँ पे 3, देन आप उसको याद कर लीजिए 8। अब तुलसीदास का जन्म, देखिए तुलसी आपका नाम, अगर आप तुलसीदास नाम लेंगे तो आपके फोटो पर क्या आएगा, तुलसी, राइट? तुलसी आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब आप 15 ईयर्स के हो तो आप 3 से 2 पत्ते खाओ तुलसी के, और जब आप 16 ईयर्स के हो तब आप खाओ 2 से 3 पत्ते, ठीक है, तुलसी के। तो ये इसकी इजी ट्रिक हो गई। अब आप आ जाइए देव के जन्म पर, देव जन्म, ठीक है? तो सबसे पहले आप मन लगा दीजिए, देन आप यहाँ से ले लीजिए 6, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे बन रहा है ना 6, इस तरह से, तो यहाँ पे 6 एंड देन 7 आप यहाँ से ले लीजिए कि वह पे इस तरह 7 है, ठीक है? इस तरह आप याद कर सकते हैं 7 एंड देन आप काम करिए 1, 2, 3, ठीक है? ये आप ऐसे याद कर सकते हैं देव में कितने वर्ड है, 1, 2 एंड 3। नाउ देव की मृत्यु, तो अगर वो 16 में पैदा हुआ है तो यही वाली आपकी कर्म है जो आपने सूरदास में की थी, कि अगर वो 16 में पैदा हुआ है तो वो 20-30 साल में तो मर नहीं जाएगा, तो आप 17 लगा दीजिए एंड देन आप 16 में कैसे लगाएंगे 6, 7, आप 17 पहले लगा देंगे एंड देन 6 यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ पे आ गया 6 एंड देन 7। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।